तीसरे दिन भी गाजा पर हवाई प्रहार किया गया। गाजा में हवा से कई बम गिराए इजराइल ने। गाजा के कई इलाकों में तबाही इस हमले से मच गई। गाजा में लगातार तीसरे दिन भी इजराइल के हमले जारी हैं और कैसे तबाही मची है वहां पर आप देख सकते हैं। तो इजरायली सेना 30 दिन से भीषण हमले कर रही है जिससे गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है। गाजा में करीब 1000 बड़े और गहरे गड्ढे बन चुके हैं। करीब 30,000 इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। 1,90,000 घरों को या कहें इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ने आज ऐलान किया है कि उसने हमास के 2,500 ठिकाने तहस नहस कर दिए हैं। 50 से ज्यादा धार्मिक स्थल पर हमले हुए हैं। करीब 250 शिक्षण संस्थानों पर भी हमले हो चुके हैं। यही वो हमले हैं जिसकी वजह से गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ बर्बाद इमारतें, मलबा और धुआं नजर आ रहा है। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, जंग पर नेतन्याहू का बड़ा बयान। सीज फायर को लेकर नेतन्याहू ने कहा है कि वो सीज फायर अभी नहीं करेंगे। इजरायली पीएम ने कहा पहले बंधकों को रिहा करे हमास, बंधकों की रिहाई से पहले रिहाई हमले नहीं रुकेंगे। रिहाई से पहले रामन एयरफोर्स बेस पर नेतन्याहू ने जवानों से मुलाकात की। और जंग के बीच गाजा के साथ खड़ा है तुर्की। एर्दोगान का बयान, कहा नरसंहार रोकना हमारा कर्तव्य, गाजा में अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बयान, गाजा में नरसंहार रोकना हमारा कर्तव्य, कहा गाजा में अपने भाइयों को हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। उधर परमाणु धमकी देने वाला इजरायली मंत्री बर्खास्त कर दिया गया है। नेतन्याहू ने मंत्री अमिचाई इलियाहू को हटा दिया है। एटमी हमले की धमकी देने वाले मंत्री को हटा दिया गया है। इलियाहू ने दी थी गाजा पर एटमी हमले की धमकी। गाजा पर एटमी हमले की धमकी देने वाले इस मंत्री को, जिनके पास हेरिटेज मिनिस्ट्री का कार्यभार था, हटा दिया है नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से। लेकिन सलाह क्या थी ये तो जान लीजिए। नेतन्याहू के मंत्री की सनसनीखेज सलाह, गाजा पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, गाजा को एटम बॉम्ब से तबाह कर दें। इजरायल के मंत्री अमिचाई इलियाहू ने यह सलाह दी। एक इंटरव्यू में अमिचाई ने यह कहा, तो एटमी धमकी से हड़कंप मच गया है, खासकर अरब में, कि क्या वाकई इजरायल कुछ ऐसा कर सकता है, क्या गाजा पर कोई परमाणु बम गिरेगा। आइए आपको बताते हैं, इजरायल की मुसीबत, अमेरिकी मुहिम को धक्का, न्यूक्लियर धमकी से और भड़केगा यह युद्ध। बाइडेन प्रशासन में खलबली मच गई है मंत्री की न्यूक्लियर धमकी के बाद से। गैर जिम्मेदार अरब देशों में आक्रोश बढ़ गया है। मंत्री की बर्खास्तगी से डैमेज कंट्रोल यहां पर किया गया है। अरब देशों का अमेरिका पर दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा तो बीच का रास्ता निकालना मुश्किल होगा अमेरिका के लिए। ईरान और तुर्की की धमकियां बंधकों पर मध्यस्थता में अड़चन डालेंगी। गाजा में दहशत और बढ़ेगी और आईडीएफ की क्रूरता के दावों को और बल मिलेगा।